हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वीडियो बनाते रहते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका भी सहयोग हमको मिल रहा होगा। दोस्तों डिस्क्लेमर यही है कि जो हम सारी आपके लिए चीज़ें बनाते हैं वो सिर्फ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। अगर आप उसे काम में लेना चाहते हैं तो अपने बिजनेस मतलब जो भी आपके ब्रोकर हैं या फिर आपके फाइनेंशियल जो प्लानर हैं उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि वो आपको मेरे से ज़्यादा भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको उन पर ज़्यादा अच्छा बिलीव हो और वो ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि वो आपसे पैसा लेते हैं। तो आज हम जिन तीन स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो तो एक तरीके से बहुत गिरे पिटे हैं, बट उनके लिए कुछ न्यूज़ है जो कि हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं। दूसरा, हमारा टेक्निकल प्रॉफिट चैनल की एक लिंक है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों कल हमने निफ्टी की फ्यूचर की बात की थी और निफ्टी का जो फ्यूचर था देखिए आज 50% मतलब 0.5% यानी आधा परसेंट के लगभग गिरा। और जो 10,500 का जो हमने पुट की बात की थी वो पुट जो थी वो ऑलमोस्ट कितनी हो गई वो आप देख सकते हैं। ये देखिए 7% के आसपास तो इसका मूवमेंट बंद होते हुए दिखा, बट वो 42 रुपीज़ का उसका जो लास्ट क्लोज था, 42 रुपीज़ के क्लोज से उसने 75 रुपीज़ का हाई मारा। आप जैसे इसका डिफरेंशिएट निकाल लीजिए दोस्तों, जब आप डिफरेंशिएट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको जो अमाउंट आएगी वो 37 रुपीज़ के आसपास आएगी। 75 माइनस 32 यानी 33 रुपीज़ के आसपास आएगी। और अगर मैं इसको 32 × 75 करता हूँ दोस्तों, तो आप सिर्फ ये मान लीजिए कि आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया सिर्फ इतना सा मेहनत करने पर जो कि मैंने बताया। तो दोस्तों इससे तो आपको पता चलता हो ना कि हम जो बता रहे हैं वो आपको फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं दोस्तों, बट उसके लिए सिर्फ एक ही है कि अगर आप चाहेंगे तो हमारे साथ ज़रूरत में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे हम आपको बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, जैसे हम आपको कुछ बुक्स देंगे जो कि आपको रीडिंग के साथ साथ आपके नॉलेज बढ़ाने के काम में आएगी, जो कि फाइनेंशियल मार्केट की सारी बुक्स होंगी। ठीक है, जिसके अंदर आप टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन स्ट्रेटजीज और बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको हेल्प भी करेंगे ट्रेड को कैसे लेना है और ट्रेड में किस तरीके से लेके प्रॉफिट कमा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। इवन हम ये कहेंगे कि हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप ट्रेडिंग करेंगे ज़रूरदा में तब तक। ठीक है, अब हम जिस स्टॉक की बात करें दोस्तों वो है, सबसे पहला स्टॉक है जो नाम से ही चला जाएगा अभी जो हो रहा है, जेट एयरवेज। उसके बाद है जो स्टॉक है वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट कुछ समय देंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा मिले दोस्तों। ठीक है, जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है जेट एयरवेज। और जेट एयरवेज जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से ये जेट एयरवेज का शेयर आप देख रहे हो कि कितना गंदी हालत में बन चुका है दोस्तों। ये शेयर 800 रुपये के भाव से, ये 800 रुपये के भाव आप यहाँ देख रहे होंगे, 900 रुपये के भाव थे, ये स्टॉक 400 रुपये हो गया। ठीक है, बट इसने वीकली सपोर्ट को भी तो तोड़ दिया है आज के दिन में, इस वीक में तोड़ दिया है, वीकली चार्ट की कैंडल है। तो आज हम देखते हैं कि भाई अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट यानी 50% अगर कोई शेयर्स आपको मिल रहा है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, ये ज़रूर आपके प्लानर बताएंगे। क्योंकि क्रूड का भाव एकदम से ही और ज़्यादा बढ़ जाने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो रातों रात आपको $200-$500 हो जाएगा। भाई $80 हो गया है मानो, तो अब हो सकता है 85 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 1000-2000 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, होगा ज़रूर, अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। बट ये क्या हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या इस तरह की कंपनी में काम करने की, जो कि ऑलरेडी 800 रुपये से टूट के 900 रुपये से टूट के 700 रुपये हो चुकी है। तो चलिए हम इसका एक मंथली चार्ट पर भी रिव्यू करते हैं। देखिए मंथली चार्ट पर ये देखिए, ये स्टॉक पहले भी इस रेंज में आया था 300 रुपये की रेंज, फिर ये स्टॉक 900 रुपये तक है। मतलब आप सोचो कि स्टॉक 300 रुपये से 900 रुपये चला गया, देन फिर उससे पहले भी ये आप समझो 300 रुपये की रेंज में आया था, फिर ये 800 रुपये गया था। मतलब अब ये देखो कि ये जाता है फिर आता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, इसका अल्टीमेट सपोर्ट 300 रुपये आता है, बट उससे पहले भी एक बार ये यहाँ से घूम चुका है। देखिए आप, मतलब ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास से घुमा था, बट अभी तो इसने इस पॉइंट को तोड़ दिया, देखिए यहाँ से घुमा था। ठीक है, बट अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका बचता है ये, जो कि लगभग अगर हम वैल्यू टर्म्स में कैलकुलेट करके सोच जरा देखें कि भाई ये सपोर्ट लेवल में होगा क्या, ये सपोर्ट कहाँ पर होगा। तो ये सपोर्ट है आपका 281 और यहाँ पर 300, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपको 300 रुपये से लेकर ये स्टॉक मिले
तो आपको ज़रूर मैं कहता हूँ कि आपको ट्राई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 50-50-100 लाख रुपए का माल खरीदो, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये का खरीदिए, 15,000 रुपये का खरीदिए, और ऐसे अमाउंट का खरीदिए कि भाई अगर आप उसको 10-15 साल या 5-2-3 साल भी रखेंगे तो आपको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि क्रूड का भाव बढ़ा जरूर है बट वो वापस इसी तरीके से नीचे भी आएगा, एकदम से तो ऊपर जाएगा नहीं। क्रूड एक समय में 7,000 रुपये का भी भाव हुआ करता था, पर आपने देखा कि 2,800 रुपये के भाव पे भी हमको क्रूड मिला, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे, जैसे कि अभी आप यहाँ देखोगे, ये देखिए 200 रुपये भी था, तो अभी कब की सन कौन से की बात है जरा हम वो देख लेते हैं कि कौन से सन की बात है। ये जो आपको मिला था, ये देखिए, ये जो आपको 2014 में था, तो 2014 में ऑब्वियसली 7,000 रुपये के भाव पे था इसलिए था, बट 200 रुपये से आप ये देखिए ना, 800 रुपये भी हो गया, 200 रुपये से 600 रुपये हो गया, मतलब एक ही साल में डबल भी हो जाता है ये स्टॉक। तो आप इतना कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो अब इस वैल्यू पर आके कि भाई, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बीपी सेल की वीडियो बनाई थी 19 अप्रैल के दिन, ठीक है, उसमें जब स्टॉक था 375 रुपीज़ के आसपास, वो 410 मार के आया दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई थी कि आप चाहे तो खरीद सकते हो, उसका एक कॉल था 410 रुपये का कॉल, उसका भाव देख लीजिएगा जो स्ट्रीम निकाल के, कि वो करीबन 6 रुपये के आसपास मिल रहा था, वो कम से कम 15-17 रुपये हो चुका था, ठीक है, ये सब आपको देखने का जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसी तरीके LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बेहतरीन कंपनी, यूँ कहेगी वो गवर्नमेंट की ही कंपनी है दोस्तों, अब गवर्नमेंट ही है ये मान लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट गवर्नमेंट का है, और ये वो कंपनी है जिस पर बहुत सारी म्यूचुअल मतलब बहुत सारे देश की जनता को भरोसा है, क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, साथ साथ ये म्यूचुअल फंड ये वो सब में इन्वेस्ट करता है। तो अब आप देखिए कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से क्या होगा दोस्तों, मेरे को लगता है आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं ढंग से तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। ये देखिए अभी जो लेवल आ चुका है, ये मंथली चार्ट है, आप यहाँ देख रहे हो मंथली चार्ट पर जो लेवल आ चुके हैं वो ऑलमोस्ट 475 के लेवल आ चुके हैं, जबकि ये स्टॉक आपको 800 रुपये के आसपास से टच होते दिख रहा है, मतलब ये भी वही हो गया जो कि 50% स्टॉक अपनी प्राइस से घट चुका है। तो अब आप LIC जैसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखिए 2016 में ये स्टॉक आपको 462 रुपये के बाद मिलता था, और आज भी वही लेवल आ चुके हैं दोस्तों। तो अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप डिपेंड करता है आप पर, आपकी वेल्थ पर, और आपको इस तरीके से काम करेंगे, बट मैं जैसे एक माध्यम हूँ आपको बता रहा हूँ, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। और एक इसी महीने में इसमें जो एक गिरावट आई है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और ये एक जस्ट काइंड ऑफ सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है, 400 से लेके 450 या 475 एक अच्छा लंग है, जिसमें आप इसमें जस्ट काइंड ऑफ SIP की तरह काम कर सकते हैं, SIP की तरह थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों को ये लेगेसी पास करें, ताकि वो लाइफ टाइम इंजॉय करें अपनी लाइफ। ओके ठीक है, तो चलिए अब जो तीसरा स्टॉक है वो जो कल हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था वो है स्ट्राइक शासून। अब देखिए स्ट्राइक शासून एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि ये मर्जर के चक्कर में इसका थोड़ा लफड़ा हो चुका है, ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है या इनका कुछ आपस में मर्जर हुआ है जिसका न्यूज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मर्जर के चक्कर में इनका लफड़ा हो चुका है और ये स्टॉक प्राइस डाउन हो गया, बट ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके जो ड्रग है वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में बिकते हैं, और अच्छी खासी कंपनी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी 21 मई यानी आज की एक रिपोर्ट में HDFC सिक्योरिटी ने इसका टारगेट दिया है 980 रुपये का, तो सोचिए उन्होंने कैसे दिया होगा, 340 रुपये की कंपनी पर ट्रेड कर रही है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये स्टॉक वापस आपको 980 रुपये मिलेगा। अब HDFC जैसी कंपनी पे तो आप भरोसा करोगे ना, HDFC सिक्योरिटी, वहाँ तो कम से कम बहुत ज्ञानी विद्वान लोग बैठते होंगे जिन्होंने कुछ एनालिसिस किया होगा, कुछ रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया होगा और देखा होगा। अब ये मंथली चार्ट पर ये स्टॉक लगभग सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, जो कि हमने एक दो दिन पहले बात किया था, आज तो उसने पूरा खेल कर दिया और आज ही 11% फिर टूट गया। अब देखते हैं कि अभी कहाँ जाता है, किस तरीके से मूवमेंट दिखाता है। तो हमने जो तीन स्टॉक की बात करी वो थी फर्स्ट LIC, दूसरा जेट एयरवेज और तीसरा है स्टार शासून। ये सारे स्टॉक आपको 50% से ज़्यादा की गिरावट पर मिल रहा है, ये स्टॉक तो आपको मोर देन 50% की गिरावट पर मिल रहा है। किसी ज़माने में 1,250 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, आज ये 300 रुपये पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं अपनी लाइफ का, इवन निफ्टी का 5-10,500 भी है अभी
अच्छा खासा चल रहा है, उसके लिए भी आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए, समझिए और पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।